साहिबा के पिताजी से बात होती है अंगद की, और जब वो बोलते हैं कि साहिबा का फ़ोन नहीं लग रहा, साहिबा से बात करा दो, तब अंगद बताता है उन्हें कि क्या आपको नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि कौन सी बात, तब अंगद बता देता है कि साहिबा माँ बनने वाली है। तो इतनी बात सुन के ही साहिबा के पिता थोड़े हैरान हो जाते हैं कि क्या आप सच बोल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी खुशी दे दी है तुमने मुझे। तो वो अपनी पत्नी तोसी तोसी करके चिल्लाने लग जाता है, यानी संतोष को बुलाने लग जाता है। तभी फिर उसे याद आता है, तभी साहिबा के पिता अंगद को बधाई देने लग जाते हैं कि मैं तो भूल गया तुम्हें बधाई देना, ये तुम भी तो इसी खुशी के हिस्सेदार हो। तो अंगद फ़ोन अपना फेंक देता है गुस्से में, और सोचने लग जाता है कि साहिबा ने अपने भी घर वालों को नहीं बताया, आखिर चल क्या रहा है, आखिर सच्चाई क्या है कि साहिबा अपने घर वालों को भी नहीं बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। किसी को कुछ नहीं पता, और घर पे भी किसी से नहीं बताया, क्या छुपा रही है। अंगद अपने आप से ये सारे सवाल करने लग जाता है और सोच में पड़ जाता है, और वो गुस्सा होकर के वहाँ से फिर चला जाता है।